वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 21 जून 2021 और 21 जून 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक पॉइंट से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि एक से दूसरे लोग भी जान पाए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता है, यह किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो एक फैमिलियल ऑर्गेनाइजेशन है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, यह राजस्थान द्वारा जीता गया है। यह लेटेस्ट न्यूज इसमें 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीत लिया गया है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों के में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। बात हुई है फैमिलियल फॉरेस्ट्री के बारे में, तो जान लेते हो फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या होता है। तो पारिवारिक वानिकी पेड़ों को पालतू बनाने से यह पारिवारिक वानिकी शुरू होती है और बाद में आगे बढ़ती है। यह सीधे तौर पर वृक्षारोपण और उसकी देखभाल में परिवार को शामिल करता है। जब कोई गृहस्थी अपने घर और उसके आसपास के जंगल को उगाती है और उसका पोषण करती है तो उस घर के बच्चे समाजीकरण के अपने प्राथमिक चरण के दौरान आसपास के बारे में संवेदनशील हो जाते हैं और यह उन्हें पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति के रूप में आकार देता है। घर में लगे फलों के पौधों न केवल पोषण प्रदान करते हैं बल्कि आय का स्रोत भी बन सकते हैं। परिवार को ताजी और जैविक सब्जियां मिलती है बिना अतिरिक्त जमीन पानी और श्रम के, क्योंकि ये सब्जियां पेड़ों से के साथ उगाई जाती है। पारिवारिक वृक्ष पक्षियों को घोंसला बनाने का स्थान प्रदान करते हैं, इस प्रकार कीट जैव विविधता को बढ़ाते हैं। यही है पारिवारिक वानिकी। बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। यह है मैप में राजस्थान, इसके नीचे में गुजरात है, इसके बगल में उत्तर प्रदेश है तथा यह मध्य प्रदेश है। जान लेते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर तथा यहाँ का गवर्नर है कालराज मिश्रा। यहाँ का CM अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं तथा 10 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मेन नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क तथा सरिस्का नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व डेजर्ट केवलादेव नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति यानी पहले राष्ट्रपति के केनेथ कोंडा का निधन हो गया है? तो हाल ही में जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हो गया है। ये थे जाम्बिया का पूर्व राष्ट्रपति, पहले ही राष्ट्रपति जिसका नाम है केनेथ कोंडा, उनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। श्री कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। बात हुई जाम्बिया के बारे में, तो जान लेते हैं मैप में कहाँ है जाम्बिया। यह है विश्व मैप में जाम्बिया जो हरा से डिनोट किया हुआ है। यह है जाम्बिया का ओपन मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जाम्बिया का राजधानी है लुसाका तथा जाम्बिया का करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस बैंक के द्वारा एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया गया है, या इंडस इंडी बैंक के इंडसइंड बैंक के द्वारा किया गया है? तो इंडसइंड बैंक इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ मौजूदा और ही साथ ही साथ इंसेंट बैंक ग्राहक दोनों पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल तरीके से एक ही मंच पर व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। अपनी तरह का प्रभाव प्रस्ताव इंडस इजी क्रेडिट पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड प्रक्रिया प्रदान करता है, जो भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की शक्ति इंडिया स्टैक का एक पेपरलेस बिना उपस्थिति और कैशलेस तरीके से व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए लाभ उठाता है। चलिए बात हुई है इंडसइंड बैंक के बारे में, तो जान लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक, इसका सीईओ है सुमंत कटपालिया तथा इसका संस्थापक एसपी हिंदुजा थे। इसका स्थापना अप्रैल 1994 में मुंबई में हुआ था तथा इसका फिलहाल में मुख्यालय पुणे में है तथा इसका मालिक हिंदुजा ग्रुप है। यह इंडसइंड बैंक का लोगो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को वर्ल्ड शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसमें एक शरणार्थी, वह शरणार्थी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एक शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण, उत्पीड़न से, एक सुस्थापित भय के कारण अपने घर और देश से भाग गया हो। 1951 शरणार्थी सम्मेलन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव से बचने के लिए कई शरणार्थी निर्वासन में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में आयरलैंड के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह केविन ओब्रायन, इन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। 37 वर्षीय डबलिनर, जो टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध है, ने 50 ओवर के प्रारूप 153 कैच जीते, 3,000 से अधिक रन बनाए और अपनी जीवंत मध्यम मध्यम गति के साथ प्रारूप में 114 विकेट लिए। लेकिन उन्होंने विश्व कप में एक धमाकेदार शतक के लिए जाना जाता है, जिनमें आयरलैंड के 2011 के संस्करण के दौरान बेंगलोर में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था। उनका 50 गेंदों में बना शतक विश्व कप के इतिहास में सबसे तेजी से बना शतक है, जिसमें ओब्रायन ने इंग्लैंड पर हमला किया। जान लेते हैं केविन ओब्रायन के बारे में अब। केविन ओब्रायन एक आयरिश क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1984 को हुआ था, मतलब अभी ये 37 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इनका जन्म डब्लिन आयरलैंड में हुआ था। इसका जीवन साथी का नाम है रथ एने। इसका पेरेंट्स का नाम है ब्रेंडन ओब्रायन। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दुनिया भर में पीड़ित और यौन हिंसा से बचे लोगों को सम्मान करना और उन सभी को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने इस अपराधों के खात्मे के लिए साहसपूर्ण अपना जीवन समर्पित किया और अपना जीवन खो दिया है। जान लेते हैं संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। ये कब से मान्यता प्राप्त है, कब से मनाया जाने लगा?
19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून को लगातार संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। सुरक्षा परिषद के लक्ष्यों के 19 जून 2008 को चयन को मान्यता देने के लिए तिथि का चयन किया गया था, जिसके दौरान परिषद ने युद्ध की रणनीति और शांति निर्माण में बाधा के रूप में यौन बर्बरता की निंदा की थी। 2021 में यह दिवस सातवां दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 1,00,000 कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स शुरुआत की है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 से अधिक कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक नई क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, क्योंकि उन्होंने देश को भविष्य में कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से चलाया जाएगा। इन सभी प्रयासों के बीच कुशल जनशक्ति महत्वपूर्ण है। इसके लिए और कोरोना वायरस योद्धाओं के वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 से 3 महीनों में समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो हाल ही में एलटी इन्फोटेक यानी लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक ने स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीत लिया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। यह एलटीआई को यह प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली है। बात है एलटीआई के बारे में। एलटीआई का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक। तो जान लेते हैं एलटीआई के बारे में। एलटीआई के वर्तमान सीईओ है संजय जलोना। इसका टोटल रेवेन्यू 11,207 करोड़ भारतीय रुपये में है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर लार्सन एंड टूर्बो है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी वर्तमान में इसके एम्प्लॉई 31,437 हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के सरकार विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? तो जापान सरकार विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। जापान सरकार ने हाल ही में यह न्यूज़ दी है कि वह विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगी। जापान सरकार द्वारा विदेशों में जाने की योजना बनाने वाली यात्रियों को जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होंगे। इससे स्थानीय सरकार द्वारा जुलाई 2021 में किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। जापानी सरकार ने 17 जून 2021 को यह घोषणा की है कि वह जापानी यात्रियों के लिए अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय दुनिया भर की सरकारों द्वारा व्यावसायिक यात्राओं और पर्यटन को फिर से शुरू करने के तरीकों के साथ प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। अब चलते हैं, पहले जान लेते हैं जापान के बारे में। बात हुई है जापान के बारे में, तो यह मैप में जापान, यह है जापान का इंडिविजुअल मैप, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है तथा यहाँ का करेंसी जापानी येन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? तो अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंधन को बीसीसीआई ने हटा लिया है। बीसीसीआई ने स्पिनर अंकित चौहान का प्रतिबंध समाप्त किया, उन्हें पेशेवर क्रिकेट खेलने की अनुमति दी है। अंकित चौहान को आईपीएल के 6वें संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने क्रिकेटर के इस आरोप को खत्म करने का फैसला लिया है। सितंबर 2013 में चौहान और श्रीसंत को बीसीसीआई को अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
चौहान के साथ श्रीसंत को भी इस समय आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। चलिए बात हुई अब बीसीसीआई के बारे में, तो जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली है तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आयु निर्माण बोर्ड को हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यह आधुनिक होगी देश की 41 आयु फैक्ट्री या केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों के में बदलने की मंजूरी दी है। चलिए बात हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, तो जान लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इसका स्थापना 1935 में हुआ था, जो कि यह भारत का ही एक सर्विस कंपनी है। इसका करंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गुआबा तथा सर्विस चीफ हैं सीएस विश्वकर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 जारी की गई है। इस रैंकिंग में नंबर वन टीम में कौन सा रहा। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 के अनुसार रैंकिंग में नंबर वन टीम पर न्यूजीलैंड रहा। सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड टीम दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इस जीत से उस 3 रेटिंग का फायदा हुआ और शीर्ष पर पहुंच गई। अब जान लेते हैं कि भारत इस स्थान में कितने रैंकिंग पर रहा। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 के अनुसार पहले स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। जान लेते हैं हम टॉप 10 टीम के बारे में, कौन सा टीम टॉप 10 में रहा। दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथा पर इंग्लैंड, पांचवें पर पाकिस्तान, छठे पर वेस्ट इंडीज, सातवें पर दक्षिण अफ्रीका, आठवें पर श्रीलंका, नवें पर बांग्लादेश तथा 10वें स्थान पर जिम्बाब्वे रहा। न्यूजीलैंड 21 मैच में 2593 पॉइंट लेकर 123 रेटिंग के साथ टॉप वन पर रहा तथा भारत 24 मैच खेलकर 2914 पॉइंट लेकर 121 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अब बात हुई आईसीसी के बारे में, तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ था, यानी आज से 111 वर्ष पहले इसका स्थापना हुआ था। यह एक फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन टाइप का संस्था है, जिसका मुख्यालय दुबई या यूएई में है तथा इसका और मुख्यालय 1909 से लेकर 1905 तक लंदन के यूनाइटेड किंगडम के लंदन में रहा, जो कि अभी 2005 से लेकर अभी वर्तमान तक दुबई यूएई में है। इसका मेंबरशिप 105 देशों के पास है तथा इसका डिप्टी चेयरमैन है ग्रेव बर्कले तथा इमरान ख्वाजा। यहाँ का दो डिप्टी, एक चेयरमैन है एक डिप्टी चेयरमैन है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं बात हुई न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड है मैप में, देखिए न्यूजीलैंड कहाँ है। तो दोस्तों जान लेते हैं मैप में न्यूजीलैंड कहाँ है। तो देखिए मैप में न्यूजीलैंड है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक न्यूजीलैंड छोटा देश है। यह है न्यूजीलैंड का इंडिविजुअल मैप, आप ध्यान में देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड से इम्पोर्टेंट क्या क्या फैक्ट बनता है भी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन तथा यहाँ का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। तो हाल ही में इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है तथा ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव यानी ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2021 के नतीजे घोषित होने के बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए इब्राहिम रईसी को बधाई दी है। शनिवार को घोषित राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में इब्राहिम रईसी को बड़ी जीत मिली है। वह अब मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी को बधाई देते हुए लिखा, ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए इब्राहिम रईसी को बधाई। भारत और ईरान के संबंधों को आगे मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। बता दें कि ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की। रईसी देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमनेई को कट्टर समर्थक और करीबी माने जाते हैं। हसीन रूहानी की बात हुई तो हसीन रूहानी यहाँ का इसके पहले राष्ट्रपति थे, जो अब इब्राहिम रईसी यहाँ का राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, जो हाल ही में यानी संडे को ही यानी कल ही यहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। यह है इमेज में इब्राहिम रईसी। बात तो ये ईरान के बारे में तो जान लेते हैं, मैप में ईरान कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, मैप में ये हरा कलर का डिनोट देश ईरान है। यह है ईरान का इंडिविजुअल मैप, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यह है ईरान। ईरान की टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है तथा यहाँ का राजधानी तेहरान है तथा यहाँ का करेंसी रियाल है। यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 7,69,23,300 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होम यानी घर पर ही मनाया जाने का आह्वान किया गया है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून 2015 या 2015 से इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाने लगा है। योगा इज ए फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया। योगा एक फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ है। चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसकी जड़ें भारतीय संदर्भ में है, लेकिन हर साल 21 जून को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की थी। इन्होंने 27 सितंबर 2014 को अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाने का प्रस्ताव भारत के अशोक राजदूत कुमार मुखर्जी ने पेश किया था। इस प्रस्ताव को भारतीय सॉफ्ट पावर के लिए एक विजयी क्षण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसे 177 देशों से समर्थन मिला, जो यूएन के किसी भी प्रस्ताव के लिए सह प्रयोजकों के सबसे अधिक संख्या है। वर्तमान में कनाडा से लेकर यूएसए तक इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। एक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शरीर मन और आत्मा को एकीकृत करने के बारे में है, क्योंकि योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो मानसिक विश्राम तकनीकों और के साथ साथ शारीरिक चपलता के को जोड़ती है। इस वर्ष यानी 2021 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम है योगा फॉर वेलनेस। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में पितृ दिवस यानी फादर्स डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन 20 जून को पितृ दिवस यानी फादर्स डे के रूप में मनाया गया है। यह कई देशों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। इस वर्ष यह 20 जून को मनाया गया है। फादर्स डे पिता का उत्सव है। पितृत्व, प्रीति बंधन और समाज में प्रीति पिता की भूमिका का सम्मान करते हैं। फादर्स डे प्रीति संबंधन का उत्सव जून के तीसरे महीने को मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 20 जून 2021 को था, तो यह कल ही मनाया गया है। चलिए अब चलते हैं कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं। किस मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर को भर्ती की मंजूरी दे दी है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
तथा प्रत्येक महीने के पिछले कई दिनों का दिवस आंसर तो पता चल ही जाता है। आप उसे भी प्रत्येक दिन एक लिस्ट बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको पिछले कई दिनों यानी पूरे महीनों का डे आपके ध्यान में रहे। रोज एक दो तीन डे हो ही जाता है, उसका ध्यान रिवीजन करते रहेंगे तो आप डे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा सब चैनल को शेयर करना ना भूलें। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप वहां पर जाकर क्लिक कर ले तथा उसके बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे यहाँ से आने वाले प्रतिदिन का करेंट अफेयर्स आपको सुबह सुबह मिल जाए, तथा प्रत्येक एक दो दिन के बीच करेंट अफेयर्स के अलावे स्टैटिक जीके या कोई सी पॉइंट से रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो आपको जल्दी प्राप्त हो तथा आप उसे देख पाए। चलिए दोस्तों, यह हमारा है नेक्स्ट इंडिया नाम का न्यू यूट्यूब चैनल, जो हाल ही में 10 दिन पहले स्टार्ट किया गया है, जो जिस पर आप देख ही रहे होंगे अभी कम ही वीडियो अपलोड हुआ है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का आईडी है नेक्स्ट इंडिया 5 के नाम से, आप उसे सर्च करके टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आप वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा यह है कि आपको सभी वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे तथा वहाँ का सभी वीडियो का लिंक भी वहाँ एक साथ मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।